चलिए अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा से ही जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। आपको बता दें कि रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ पन्ना प्रमुख महासम्मेलन को भी यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी और सबसे खास बात इस रैली की यह है कि देश की पहली इको फ्रेंडली रैली जो है वो आज होगी। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके का जन समर्थन देखने को मिला है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, ऐसे में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज रोहतक में न सिर्फ विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे बल्कि पन्ना प्रमुख महासम्मेलन को भी यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साफ तौर पर वो न सिर्फ जनता को अपना संदेश देंगे बल्कि साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भी यहां पर जोश फूंकने का काम करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वक्ताओं की बात करें तो देश के बेहतरीन वक्ताओं में से माने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर। ऐसे में दोनों का एक मंच पर आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होने वाला है। आज जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी चल रही है हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, ऐसे में रैली की जब शुरुआत हुई थी कालका से तो कालका में राजनाथ सिंह का चुनावी बुगुल फूंकना और आज आखिरी अंजाम आखिरी पड़ाव उसे देना देश के प्रधानमंत्री की तौर से, कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा यहां पर फायदेमंद एक कह सकते हैं कि किस्सा साबित होने वाला है। तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, इस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं, वहीं मनोहर लाल खट्टर भी बोलने में माहिर हैं। ऐसे में इन दोनों का एक मंच पर आना बीजेपी के लिए कितना अहम साबित होगा? देखिए, हरियाणा में चुनाव से पहले ये रैली और उसके राजनीतिक मायने बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर में जन आशीर्वाद रैली निकाली, आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसके समर्थन के बूते वो ये कहते नजर आए कि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो विकास के कामकाज हुए हैं और जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की उनकी ओर से कोशिश हुई है, ये दावा करते हुए उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला था। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में यहाँ अपनी बात रखेंगे, भाषण देंगे, तो नजरें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर और उनके उस तेवरे पर जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें जरिए से महत्वपूर्ण होगी ये रैली, ये क्योंकि जिस तरीके से चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और उससे पहले ये रैली हो रही है तो प्रधानमंत्री के 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 100 दिन पूरे हुए हैं, कई चुनौतियां यहाँ पर रही हैं। तो ऐसे में अब जबकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, चार राज्यों में अगर बात करें हम महाराष्ट्र की बात करें, मध्य अगर बात करें हम हरियाणा की बात करें या फिर हम बात करें जो झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये चार राज्य हैं जो प्रमुख तौर पर अब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा पर निगाहें लगी हैं और मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद प्रधानमंत्री के भाषण पर नजरें लगी हैं कि वो क्या नई बात बोलने वाले हैं, हरियाणा को क्या चुनावी संदेश देने वाले हैं। जी प्रदीप जी, अगर यहाँ पर बात करें तो देश की पहली इको फ्रेंडली रैली जो है वो आज होने जा रही है, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस रैली के जरिए। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की इस रैली में यहाँ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज पर रोक लगाने की बात कही थी उसका यहाँ पर असर दिखाई देता है, इसलिए यहाँ धड़े रखे गए हैं, इको फ्रेंडली ये रैली बनाने की कोशिश की गई है ताकि इसके जरिए एक मैसेज दे पाए कि सिर्फ बातें की जाती नहीं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और इस नजरिए से इस रैली में प्रधानमंत्री के भाषण पर निगाहें सियासी तौर पर भी निगाहें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपने भाषण देते हैं अपने अंदाज में अपनी बात रखते हैं और उसमें प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर क्या उनकी राय निकल कर आती है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या जो मनोहर लाल सरकार के जो कामकाज की बात है उसकी बात हो, तो वो उस नजरिए से
वो जरूर उसकी पड़ताल करेंगे अपने भाषण के जरिए और लोगों को, हरियाणा की जनता को ये भरोसा देने की कोशिश करेंगे कि उनके नेतृत्व में, मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम काज किया है, इसलिए उनके लिए वो वोट मांगते नजर आएंगे, लोगों से अपील करते नजर आएंगे। जी प्रदीप जी, अगर यहाँ पर बात करें तो आज रोहतक में ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से रूबरू होंगे बल्कि साथ ही साथ पन्ना प्रमुख जो सम्मेलन है, महासम्मेलन है, उसमें भी संबोधन करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत चल रही है कि जनता से भी उन्होंने पूरी तरीके से सामंजस्य बिठा कर रखा है और कार्यकर्ताओं में भी जोश फूंकने में कहीं से उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है ताकि गुटबाजी की कोई संभावना न रह जाए? देखिए बिल्कुल, और इस सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देकर और खासतौर से चुनाव की तैयारी के लिए तैयार करना एक खास रीजन होता है, किसी भी रैली का एक मकसद होता है, लिहाजा उस नजरिए से भी इस रैली को जोड़कर देखा जाएगा। रोहतक के जिस पंडाल में ये रैली हो रही है, काफी बड़ा यहाँ पर टेंट लगाया गया है, जो कि लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की जद में सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर पर्याप्त किए गए हैं, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो ये जरूर है कि उस नजरिए से यहाँ पर रैली में प्रधानमंत्री के भाषण पर नजरें लगी है, क्योंकि जो 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है मोदी पार्टी ने, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये संबोधन काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें कई बातें राजनीतिक तौर पर निकल कर आएंगी जिसमें अपने सियासी विरोधियों पर वो निशाना साधेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि उनके कामकाज के जरिए जो विकास के एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाया है वो लगातार चल रहा है। हरियाणा के संदर्भ में भी बात करेंगे, हरियाणा के जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र करेंगे, हरियाणा को कई सौगात देने का वो वादा इस रैली के जरिए कर सकते हैं। तो इस पर निगाहें लगी है कि आखिर इस रैली में, चुनावी रैली में क्या मिलता है हरियाणा को, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं होंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कभी भी चुनावी दुगुल बच जाएगा। तो ये जरूर है कि आज उसका औपचारिक शुरुआत होने जा रही है प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए और उसके बाद सीधा माना जाएगा कि चुनावी लड़ाई शुरू हो गई है। तो आज की चुनावी लड़ाई और जोर पकड़ लेगी प्रधानमंत्री के हरियाणा में, रोहतक में इस रैली के बाद सीधे तौर पर सियासी हमले और आगे बढ़ जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए प्रदीप जी।